So good morning everyone, and I am feeling so blessed, so happy, so excited क्योंकि मेरा अभी सब्सक्राइबर हो गया 1K. So thank you so much जिस जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है. आप सभी लोग को तहे दिल से थैंक यू सो मच एंड या वेलकम टू माई YouTube चैनल. आप सभी लोग मेरा चैनल में बने रहिए और मेहनत करती रहूँगी अपना वीडियो को अच्छा से कंटेंट क्रिएट करके मैं अपलोड करने के लिए. मैं हमेशा मैं रेडी रहूँगी, आई मीन टू से मैं हमेशा कोशिश करूँगी. तो वेल गाइस, 0 सब्सक्राइबर से 1K तक मेरा इतना साथ देने के लिए आप सभी लोग को तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग टू ऑल माई वीडियोज एंड टू वर्ड्स माई चैनल. तो गाइस या अभी ना मेरा देर भी हो रहा है, सो फटाफट मैंने वीडियो तो बना लिया है. तो लेट मी हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं चलती हूँ ड्यूटी की और. तो आप सभी से ना जब मैं वापस आऊँगी तब मिलते हैं फ्रेंड्स. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जिस जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो. और जो लोग जिस जिसने पूरा सपोर्ट करते आया है, आप सभी लोग हमेशा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आप लोग हमेशा मेरा चैनल में बने रहिए. आई लव यू ऑल सो मच. आई विश एवरी वन ऑफ यू अ वेरी वेरी गुड लाइफ, सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड गाइस. अभी हो गया है इवनिंग के टाइम और मैं अभी प्रिपेयर कर रही थी डिनर. लंच अच्छा से नहीं हुआ था ना गाइस, सो आई एम फीलिंग सो हंग्री. तो आप लोग देख सकते हैं और मेरा ना दांत में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए अभी हम वॉइस ओवर डाल रहे हैं. आप लोग देख सकते हैं मैं पका रही थी मूली की सब्जी. तो देखिए आप लोग. ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आज मोनू के लिए स्पेशल डिश चिकन एग कटलेट. ये मेरा खुद का इन्वेंशन है और ये मेरा पर्सनल रेसिपी है. ये रेसिपी मैं आपको कल या परसों शेयर करूंगा फ्रेंड्स. ये मेरा न्यू रेसिपी चिकन एग कटलेट. बिकॉज रूम में आज स्पेशल गेस्ट आया हुआ है तो उसके लिए स्पेशल डिश होना है ना फ्रेंड्स. दिस इज चिकन एग कटलेट. कितने बजे ज्वाइन करोगे, कब से? हम सोच रहा है जिम ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि अभी धीरे धीरे उम्र भी बढ़ता जा रहा है और लड़की भी पताने का टाइम आ चुका है. सो दैट्स व्हाई आजकल कल परसों बाल भी काटने वाला हूँ. तो लड़की लोगों को हमेशा हैंडसम वाला और बॉडी बिल्डर वाला चाहिए. तो मेरा बॉडी तो है नहीं, मेरा सेक्सी फिगर है मलाइका वाला. तो मलाइका से मैं अभी जॉन अब्राहम बनने वाला हूँ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग. तो मैं अभी हूँ मोनू के घर पे. उसके बाद यहाँ पे आप मोनू का किचन देख सकते हो. मोनू का किचन को तोड़ दिया गया है, ये देख सकते हो आप लोग. बिकॉज मोनू अभी जा रहा है नया किचन बनाने के लिए. वन मंथ जैसा लग जाएगा ये किचन को बनने में. और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये है आपका मोनू का मम्मी जो इतना सुंदर से क्लॉथ बनाता है ना. देखो इसको बोला जाता है देवरी, ये मेखला है या गमछा हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चादर है ना क्या है, बट कलर देख के मालूम चल रहा है ये देवरी का है, देवरी ट्राइब का. और बहुत सुंदर से दिखाई दे रहा है कपड़ा जो, और कलर भी बहुत सुंदर है, ग्रीन है ना, और मैचिंग होगा ये. और वहाँ पे मोनू का मम्मी काम कर रही है वो आगे. और यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा तांबूल का पुली. उस दिन जो मोनू जो ब्लॉग में दिखा रहा था कि उनका नया घर बनने के लिए जा रहा है वो यही जगह है. इस प्लेस में नया घर बनने के लिए जा रहा है. तो पहले किचन तोड़ दिया, उसके बाद इसको भी तोड़ दिया जाएगा नया घर बनाने के लिए. रोड वो सब ला लिया है, वहाँ पे है. अराउंड 6 मंथ्स जैसा लग जाएगा होगा मोनू का, क्योंकि उनका डायन में भी घर है, वहाँ पे भी घर बन रहा है, यहाँ में भी स्टार्ट कर दिया तो टाइम तो लगेगा. एक साथ में इतना जल्दी कंप्लीट तो होगा नहीं. दैट्स व्हाई सब लोग, आप लोग सपोर्ट कीजिए मोनू का घर बनने में और प्रे भी कर लीजिएगा मोनू के लिए. कंपाउंड लेकिन बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है, देखने के लिए बहुत मज़ा है. और वहाँ में मोनू, हम लोग का मोनू का घर में आया है. मोनू का साथ में आया था, मोनू बोला चलो उसका घर जाएगा, बोल के तो ओके आ गया.
यहाँ पे अभी बैठा हुआ है ये, और वहाँ पे मोनोलो का मॉम, और वहाँ में पापा, वो आगे में उधर मोनो का पापा और वो भाई। मोनो का किचन तोड़ दिया है, नया किचन बनाने जा रहे हैं मोनो। यहाँ पे रोड भी रेडी हो गया है, वहाँ में और भी रोड है। और पिलर कितना उठा भी टाइम है, टाइम है बोल रहे, लेकिन रोड को तो रेडी कर ही दिया है। यहाँ पे, यहाँ पे भी रोड है, किचन वहाँ में तोड़ दिया है। मुझे तो बहुत मजा लग रहा है यहाँ में आके मनु का घर में ना मनु। यस, और मनु को भी बहुत मजा लग रहा है, बोले हम आया बोल के। बोला मनु किचन तोड़ दिया ना फ्रेंड्स, इसके लिए खाना बाहर में पक रहा है। ये आप लोग का चिल्ली बहुत तीखा होता है, ये टोटली ऑर्गेनिक चिल्ली, बहुत सारा यहाँ पे। ये है किचन जो तोड़ दिया है, इसको अभी नया से सुंदर से बनाएगा बोल रहे हैं। और वहाँ पे मम्मी काम कर रहे हैं, यहाँ पे पापा और यहाँ में हम लोग का हीरो। ओए तो काम कर जा, मनु बोल रहा है कि लाइफ में जैसा काम को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, इसलिए लग रहा है उसको फट रहा है। लाल टाना तो किसी बोगा हाउस में दुनिया को दुनिया हाउस में टाना ठीक है ना अलमान। तो सन क्रीम लगा बोला किसलिए क्रीम क्रीम टाउन में बैठ के वो थोड़ा सफेद हो गया था, बोला अब्बा तो बिग बॉस में जाने वाला हूँ, काला माला होके जाऊंगा बिग बॉस। सबको मनु जैसा होना चाहिए। ये देखिए बाहर में वो जैसा एंटरटेन करता है, घर में वैसा वो काम भी करता है। उसका जगह में भले मैं भी हूँ और मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो मैं भी नहीं करूँगा होगा शायद, बट यहाँ पे मनु जैसा कर रहा है सबको एक लेसन मिलता है कि सबको ऐसा होना चाहिए। बाहर में भी काम करो, घर में भी काम करो। सेलिब्रिटी का काम देखो, सेलिब्रिटी का काम देखो। मनु का सपना था यहाँ में सुंदर सा किचन बनाएगा बोल के, जो अभी होने के लिए जा रहा है। हम लोग भी चाहते हैं देखने के लिए कि जल्द से जल्द उनका किचन बन जाए, जिसमें हम लोग भी आके एंटरटेन करेगा। सासे ही तो बाकी है, रब तेरी
अभी भी काम चल रहा है बट मुझे निकलना है, अभी कुछ काम है, रूम जाएगा। जितना हो सकता है मदद किया और यहाँ में हाँ बाद में लेने के लिए आओ। ओके कितना बजे टाइम कहो तो मुझे फ़ोन कोई भी आस। जितना बजे कॉल करे उतना बजे हम आएगा। बो हम आइए सो हाँ चाबी तो मैं कुछ लूँगा उससे। यहाँ में स्टिल वर्किंग गोइंग ऑन। अंकल जाम ओलो पसंद रहीम मैं निकल रहा हूँ अभी फ्रेंड्स। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग गैप के बाद। आज मोनू को यहाँ पे काम किया और अच्छा भी लग रहा है। सबको हेल्प करना चाहिए जितना हो सकता है, मैं जितना हो सका मैंने किया हूँ। और अगर मेरा काम नहीं होने से मैं बैठना था, उसका मदद करना था, जो काम है उसको कर लेता हूँ। सकने से फिर मैं दोबारा आता हूँ। वहाँ पे है मेरा गाड़ी। ओके गाइस आपको रूम में पहुँच के दोबारा अपडेट देता हूँ। हेलो गाइस फाइनली हम रूम में पहुँच गया है। थकान तो ऐसा थकान हो रहा है कि मत बोलिए, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस कभी कभी करना भी चाहिए। सो गाइस ये वीडियो को मैं यहीं में फिनिश करता हूँ। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने के लिए मत भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप बताइए। थैंक यू।